अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरे किचन में बनने वाला है गुलगुल्ला, बहुत जगह इसे पुआ भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच गेहूँ का आटा लिया है, 3 बड़ा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा खाने वाला सोडा और 1 चम्मच अजवाइन। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर पानी देके इसे धीरे धीरे इसका घोल बना लेंगे। ध्यान रहे हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी देके इसका अच्छा सा एक घोल बना लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये बिल्कुल थिक रहना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई पर रिफाइन ऑयल ले लेंगे। अब हम घोल को अच्छे से फेंट लेंगे, ये 5 मिनट हो चुका था इसे रख के, तो ये अच्छे से फूल गया है, इसको फेंट लेंगे। अब जैसे हम पकौड़ी छानते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छोटा छोटा लेके इसको कढ़ाई में डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तभी इसे डालना है, कच्चे तेल में नहीं डालना है। तेल गर्म हो जाए तब इसे डालना है और इसे धीरे धीरे पलटते पलटते इसे अच्छे से पका लेना है। ये जब ब्राउन हो जाए तब इसे निकालना है और जब आप डाल दें तब फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दें, क्योंकि हाई फ्लेम में रहने से ये अंदर से नहीं पकेगा। डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे अच्छे से पलटते पलटते पका लें। देखिए बिल्कुल ऐसे ही जब ब्राउन हो जाए तब हमें इसे निकाल लेना है। हमारा ये गुलगुल्ला बनके तैयार हो गया है, अब इसे अच्छे से छान के निकाल लेना है। तो हमारा गुलगुल्ला बनके तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्त फैमिली के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से भी पूरा स्पॉन्जी बना है। मैं इससे भी पहले एक गुलगुल्ला का रेसिपी चैनल पे दी हूँ जो सूजी से बना था, आप उसे भी चेक कर लेना। देखिए ये अंदर से पूरा स्पॉन्जी बना है और अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। इस इफ्तार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।